थैंक यू। आज हम बात करेंगे आपके साथ एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले चीज को जानेंगे कि हम एडवांस एक्सेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मतलब कि एक्सेल का इस्तेमाल हम अपने ऑफिस में कहाँ पे करते हैं, किस तरह के करते हैं। अगर किसी नॉन टेक्निकल बंदे ने पूछ लिया कि एक्सेल होता है क्या, क्या करते हैं, एक सटीक आंसर होना चाहिए आपके पास और आप ये समझ सके कि जो आप चीजें सीखने जा रहे हैं उसका क्या यूटिलाइज होगा। तो देखिए, इसलिए हम बात करते हैं, एक्सेल शीट खोलते हैं। तो एक्सेल शीट का बेसिकली मेरे हिसाब से चार यूजेज है, मेरे हिसाब से, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरे हिसाब से चार यूज है एक्सेल का। तो सबसे पहला यूज जो होता है वो होता है डेटा स्टोरेज, किसी पर्टिकुलर डेटा को आप स्टोर कैसे करें। एक्सेल में आप देखते हैं कि आपके सामने रो एंड कॉलम रजिस्टर की तरह बना होता है, तो इसमें आप अपनी डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डेटा एक्सेल को एज ए डेटाबेस नहीं बना सकते। आप सोचेंगे कि मैं एक्सेल को डेटाबेस बना लेता हूं, नहीं, एक गलत होगा। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे नियम को फॉलो नहीं करता है। ओके। सबसे पहले पासवर्ड, अगर मान लीजिए इसमें कोई आपने प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड डाल दिया, तो पासवर्ड डालते समय आपको बोल रहा है कि इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर। सबसे पहले तो यही पे प्रॉब्लम हो जाती है, पासवर्ड तो भूलते रहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि अगर आपने एक डेटाबेस लिया और डेटाबेस में आपने आपने पासवर्ड डाल दिया और आपने पासवर्ड भूल गए तो क्या होगा? रिकवर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो पासवर्ड जब रिकवर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। तो यही भी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज है, आप पासवर्ड डालते भी हो तो उसको इजीली पासवर्ड तोड़ा जा सकता है। इंटरनेट पे अगर बोलेंगे ना एक्सेल फाइल पासवर्ड रिमूवर, तो आपको कम से कम हजारों सॉफ्टवेयर मिलेंगे। सो योर डेटा नॉट सेफ, सिक्योरिटी के मामले में आपका डेटा सेफ नहीं है। पहली चीज इसकी लिमिटेशन, इसमें ऐसा 10 लाख रो का लिमिटेशन है कि 10 लाख रो आप डाल सकते हैं हर एक सीट में। लेकिन इसमें जैसे ही आप 3 से 4 लाख से ऊपर जाएंगे वैसे ही आपके एक्सेल काफी हैंग होने लगेगा। हाँ, करेक्ट, ये एक प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो इसलिए इसमें हम लार्ज डेटा नहीं डाल सकते। इसमें अगर आपने बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड डेटा डाल दिया तो फाइल करप्ट होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर हम सीखेंगे क्या इससे? बिल्कुल, मतलब कि हम क्या डालेंगे डेटाबेस में? देखिए, इसमें डेटाबेस जो डलता है वो 3 तरह का डेटा डालते हैं। एक होता है आपका SME, मिसलेनियस एंड एनालिटिक्स डेटा। तो एनालिटिक्स डेटा में क्या होता है, क्या होता है इसमें शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज, जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं वो लोग इसमें इसको डाल सकते हैं। हमें छोटे लोग हैं इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि हमारे पास डेटा ज्यादा है नहीं, तो हम इसमें ही अपना डेटा डाल देते हैं। ठीक है, तो छोटे लोग इसमें डाल सकते हैं, इनके पास डेटा का लोड बहुत कम है, हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है, वो आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है कि जैसे कि आप ऑफिस में है, आप मान लीजिए कि अकाउंट टीम में है, अपने सारे के सारे डेटा, सारे के सारे चीज आप अकाउंटिंग जो है आप टैली में करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सेल इस्तेमाल करें। क्यों? जैसे कि आपको पेटी केस का डेटा है, आप 2 रुपए की फोटो स्टेट हुई है, 3 रुपए का ये हुआ है, चाय पिया है, इसका रिकॉर्ड टैली में डालेंगे सर। एक्सपेंसेस मतलब हम इसमें डाल सकते हैं, मिसलेनियस। हाँ, तो ऐसी मिसलेनियस डेटा जिसकी रिकॉर्ड हम टैली में नहीं रख सकते, आपने सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। जैसे आपको अटेंडेंस, आपका अटेंडेंस का डेटा आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं, एक्सेल में डालते हैं। तीसरा होता है एनालिटिक्स डेटा, ऐसे डेटा जिसके लिए, जिसको हमने एनालाइज करने के लिए लिया है। जैसे मान लीजिए आप एक रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, आपने एक रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया हुआ, ये रिपोर्ट डेटा नहीं है, तो आपने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है कोई भी सेल्स डैशबोर्ड विद फॉर्मूला, हम इसी की बात करते हैं। चलिए, तो एक जो रिपोर्ट बना हुआ है आपके सामने, जो रिपोर्ट दिख रहा है,
जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा सारा डिटेल आ जाता है, आ जा रहा है। करेक्ट। बट ये डेटा, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारे किसी न किसी डेटा से कनेक्टेड है। अब ये डेटा हमने अपने एक्सेल पे स्टोर कर रखा है, तो कल के डेट में अगर आपको भी कई तरह के डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपको मंथली सेल्स रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले आप अपने पूरे साल का डेटा डाउनलोड करेंगे, देन बनाएंगे रिपोर्ट। बिल्कुल। तो हम एनालिटिक्स डेटा को स्टोर करते हैं, तो कहने का मतलब है कि हम एक्सेल को एज ए डेटाबेस यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम अगर एसएमई डेटा, मतलब कि शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस का डेटा है, हम स्टोर कर देते हैं, 8-10 हज़ार का डेटा होता है, स्मॉल डेटा होता है, वो स्टोर कर सकते हैं, मिसलेनियस डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एनालिटिक्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो सर अगर लार्ज डेटाबेस होगा, मतलब इन तीनों के अलावा, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? देखिए उसके लिए फिर अलग अलग लार्ज डेटाबेस आपके पास है, मान लीजिए आपका डेटाबेस अगर 10-15 लाख के आसपास रहता है तो आप डेटाबेस एक्सेस यूज कर सकते हैं, आपका डेटा बहुत बड़ा होता है देन एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, अब यहाँ हम ओपन करते हैं, इसमें आते हैं, अपने डेटा में आते हैं, अगली पार्ट में। अगला पार्ट जो आता है हमारा, वो आता है कैलकुलेशन। पिवट टेबल में हमारा जो अगला स्टेप है वो कैलकुलेशन का है। पिवट टेबल में हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल से अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप जो कुछ कुछ कैलकुलेशन करना है तो फिल टू फिल कैलकुलेशन होती है, बट बाकी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बाकी सॉफ्टवेयर में फिल टू फिल कैलकुलेशन होता है और इसमें सेल टू सेल कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वार्टर है, क्वार्टर वन है, मेरे पास क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में 50 सेल है, क्वार्टर टू में 60 सेल है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ निकालने के लिए अगर बाकी सॉफ्टवेयर बोलेंगे तो जो कैलकुलेशन होगा पूरा का पूरा कॉलम का होगा, बट एक्सेल में हम सेल को कर सकते हैं, हम सीधे करेंगे मैथमेटिकल रूल को फॉलो, और लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, एंटर प्रेस करें, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। डाउट इसमें, इसमें आपने ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ फॉर्मूला क्या था, E2 माइनस D2 डिवाइड बाय लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला था हमारा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह की कैलकुलेशन, किसी भी तरह की कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं, चाहे मैथमेटिकल हो, इसके अलावा हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल है जो कि हम इस आगे वाली क्लासेस में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एनालिसिस के लिए भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी वैसे एनालिसिस कर सकते हैं, डायनेमिक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ना, हम मैं बराबर बोलता हूँ कि रिपोर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, बोलिए सर प्रेजेंटेशन तो पावर पॉइंट का पार्ट है, आप एक्सेल में कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डायनेमिक रिपोर्ट की। जैसे आपके सामने देख लीजिए कि रिपोर्ट है, तीन है, एस्टिमेटेड, एक्चुअल एंड बोथ का। अभी रिपोर्ट हमारा बोथ का दिख रहा है, मुझे एक्चुअल देखना हो तो बस मैं इस पर क्लिक करूंगा, पूरा रिपोर्ट एक्चुअल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। एस्टिमेटेड करूंगा तो एस्टिमेटेड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरह से मैं यहाँ पे अगर ईयर बोलूँ कि ओवरऑल ईयर का है, जिस का डेटा है, मैं बताता हूँ मुझे 2006 का चाहिए, क्लिक करूंगा 2006, पूरा रिपोर्ट 2006 की तरह हो जाएगा। और 2006 की भी मुझे क्वार्टर वन का चाहिए, तो पूरा रिपोर्ट क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग। ये नीचे ग्राफ्स भी हमारे चेंज हो रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, मैं डेटा चेंज हो रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन पावर पॉइंट में तो मुझे इसके लिए हर किसी के लिए अलग अलग स्लाइड बनाने पड़ेंगे, अलग अलग मुझे प्रेजेंटेशन बनाने पड़ेंगे, और उनको प्रेजेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा ना। मान लीजिए मैं एस्टिमेटेड दिखा रहा हूँ, किसी ने बोला, मैं मीटिंग में बैठा हुआ, किसी ने बोला कि एक काम कीजिए मुझे एक्चुअल दिखाइए क्या है, तो फिर मैं अपने ड्राइव में जाऊंगा, एक्चुअल की पीपीटी को ओपन करूंगा। बिल्कुल, बट यहाँ तो सिंपल बस क्लिक कीजिए और ओपन। राइट, मुझे कुछ ऐसा ही कुछ चाहिए सर अपने करंट प्रोफाइल में ना, बिकॉज एक्सेल ही हम लोग मोर प्रेफर करते हैं। जी हाँ जी हाँ, ठीक है जी।
तो ये हमारा होता है, ये एनालिसिस के लिए यूज होता है। और तीसरा सबसे ज्यादा यूज है वो है शेयरिंग। अब ये नहीं होता ना तो एक्सेल इतना पॉपुलर नहीं होता। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए मेरे पास पावर बी आई की भी सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेल से बेटर रिपोर्ट और एक्सेल से जल्दी फास्ट बना देता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये रिपोर्ट मैं आपको भेजूंगा तो आपको देखने के लिए पावर बी आई होना चाहिए। Okay. अगर आपके पास पावर बी आई नहीं है तो रिपोर्ट को नहीं देख पाएंगे। अच्छा ओके तो पावर बी आई इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। हाँ एक सॉफ्टवेयर अलग माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है पावर बी आई। ओके ओके बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कहा जाता है इसको। और इसका यूज हम लोग डैशबोर्ड और डेटा विजुलाइजेशन के लिए करते हैं। ओके तो डैशबोर्ड वगैरह है यहाँ पे क्विकली बन जाता है। तो प्रॉब्लम वही है कि अगर मैं किसी को भेजूंगा तो उनको पास भी पावर बी आई की सर्विसेज होनी चाहिए। आपको एक रिपोर्ट को देखने के लिए पावर बी आई की सर्विसेज तो नहीं लेगा ना। बिल्कुल हालांकि इसकी वेब वर्जन और बाकी चीजें भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक्सेल जैसा फीलिंग नहीं देता। अगर हमने एक्सेल की कोई रिपोर्ट बनाई तो मुझे पता है कि हर कोई इस रिपोर्ट को देख पाएगा। अगर जिसके पास एक्सेल नहीं भी है ना तो उसके पास एक्सेल की जगह पे ओपन आर जी और सेंथेमी एक्सेल व्यूअर जैसे सॉफ्टवेयर होंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जीमेल पे मैं उसको भेजा हूं तो जीमेल पे डायरेक्ट गूगल सीट पे जाकर देख लेगा। ठीक है गूगल सीट जैसे मुझे किसी ने भेजा मुझे देखना है कि भाई क्या है बस इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते मुझे या मुझे इसके यहाँ पे आज का रिपोर्ट दिख जाएगा। ठीक है ये तो ड्राइव पे खुल जाता है ना जी। ठीक है हाँ जी डाउट इसमें नहीं तो ये हमारा यूज होता है। अब इसकी लर्निंग के बारे में जानते हैं कि इसको सीखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए टाइम। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो आप सीखना आपके लिए बेस्ट टाइम और पैसा दोनों आप वेस्ट करेंगे क्योंकि एक्सेल जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स नीड ऑल द प्रैक्टिस। आपको होना चाहिए टाइम। आप बोलेंगे कि मैं हमेशा एक्सेल पे ही काम करता हूँ तो एक्सेल में काम तो अभी भी करते आ रहे हैं ना आप। हाँ जी तो अगर आपको एक्सेल पे काम करने से एक्सेल एक्सपर्ट हो जाते हैं तभी सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होने में बने रहते हैं आप। लेकिन आप एक्सेल पे उतना ही काम करते हैं जितना आपको जरूरत पड़ता है। हाँ जी तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जितना आपको जरूरत है उतना ही काम किया लेकिन जब हम सीखते हैं तो हर एंगल से सीखते हैं। कोई चीज के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो हम उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं लेकिन उसका कोई बेस्ट नहीं ढूंढ पाते। तो लर्निंग में आपको ये होगा कि आप इसका बेस्ट ढूंढ पाए। राइट दूसरा आपके पास होना चाहिए थोड़ी बहुत नॉलेज किसकी एक्सेल की। तो मैं जानता हूं कि आपके पास नॉलेज है लेकिन फिर भी मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं। उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। वीडियो क्यों भेज रहा हूँ भेजने पीछे रीजन ये है क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक्सेल आता है लेकिन कितना एक्सेल आता है हमें पता नहीं। इसलिए हम पहले आपको कुछ वीडियोज भेजेंगे ताकि आप उस वीडियोज को देख लें और देखने के बाद जो है हम शुरू करेंगे कोर्स को तो बेटर रहेगा। ओके ठीक है तो ये 4 घंटे का वीडियोज है जो मैं आपको भेज रहा हूँ। बट 4 घंटे का वीडियो जरूरी नहीं कि आपको पूरा देखना है। इसमें कुछ ऐसे फीचर होंगे जो आपको नहीं आते हो मैंने भेज दिया आपको वो आपको देखना है जो आते हैं उसको स्किप कर दीजिए। ओके ओके